निवेदन, बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और देखो दादा तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दई है, जो बालक कही तू तरिवाता सुनहि मुदित मन पित और माता, जो लड़का कछु अचगर करही गुरु पित मात मोद मन रही। कवियों ने कलम उठाई और चार था लिखा। देखो जिकड़ी भगवान जाने जाने जिकड़ी गप पा रहे कि तुम जाने खिचड़ी गप पा रहे, हमने तो पतो तुम्हें तो वैसे आनंद आना चाहिए, तुम्हें कोई मतलब ना है। सही बात हूँ, सही है। पर देखो दो लाइन की साख ही कह रहा हूँ साहब, जहाँ तक जिकड़ी शुरू हुए और अगर दिल और दिमाग एकाग्र करके सुनेंगे ऐसी आशा करता हूँ, ऐसे समझियो साखी में जैसे गर्मी में ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही हो। मास्टर चावल चावल
जिला भरतपुर की पहचान कहते दामोदरी रसिया की एक झलकी दे रहा हूं, जिसे भरतपुरी रसिया से भी नवाजा गया है। चाचा जी कह रहा है कभी क्या कह रहा है, करे गो जैसो पावे गो, प्रसंग सब बेंगे परमपिता पंडन को लेके। कौन? भगवान श्री कृष्ण परमपिता पंडन को लेके पास भीष्म के जा रहे, उत्सर सैया पे पड़े पिता में प्रभु की आस लगाए रहे। सो आए के आज कन्हैया मोकू, आए के आज सामरे मोकू, अंतिम दरस करा दे और माधव मेरे या जीवन पू सफल। पहुंच गए कुरुक्षेत्र के मैदान में, सबने किया प्रणाम, सबने किया प्रणाम, खुशी भय भीषम बाबा कहने लगे कर जोर, आज मैं सर्वस पावा, मेरी पूरन है गई है आस, क्योंकि लेके मेरे कुटुंब को प्रभु आए गए मेरे। अब तन को छोड़ चलू सुरपुर को, बस आज्ञा मुझको दीजिए। तो पितामह भीष्म ने इतने से वचन कहे, इति एक में रानी द्रौपदी ने बाबा के चरण स्पर्श किए हैं, चरण वंदन किया है, तो दादा के मुखारविंद से कुछ शब्द फूट पड़े। उन शब्दों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मराठी के माध्यम से। क्या कहा दादा भीष्म ने मास्टर?
श्याम ने चीर बढ़ाया है, हरी कहे नालों को तेरे।